Yes, children. So we are studying so many dimensions because there are three basic uses of dimensions. What are those three basic uses of dimension? Number one, dimensions are used to convert unit, bigger unit to smaller unit, and smaller unit to bigger unit. First use of dimension is conversion of units. Right, so using dimensional method we can convert bigger unit to smaller unit and smaller unit to bigger unit. Second use is check the correctness of equation. कि कोई भी equation we can check whether the given equation is correct or not. Using the method of dimension, कैसे check करते हैं that I'll discuss in today's lecture. Third use is to derive the formula. Right? To derive the formula, मतलब dimension से we can check whether the given equation is correct or not. We can verify. हमने पढ़ा था ना फिजिकल वर्ल्ड में लास्ट स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन वेदर द गिवन इक्वेशन द गिवन मैथमेटिकल मॉडल इज करेक्ट और नॉट. सो वी कैन चेक दैट बाय यूजिंग डायमेंशन. वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, एनी न्यू फॉर्मूला वी कैन डिराइव बाय यूजिंग द डायमेंशन, एंड वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. आउट ऑफ दीज थ्री यूजेस द फर्स्ट यूज हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड सेकेंड थिंग इज टू डिराइव द formula. Right, so coming to checking the correctness of equation, hum ye dekh sakte hain ki koi bhi equation correct hai ya nahi. Right, so what are the steps involved, I'll tell you step by step. Right, so let us say koi bhi equation hum le lete hain, v is equals to u plus at, v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time. So this is first equation of motion. Now I am asking you, you tell me whether this equation is correct or not. How do you check whether the given equation is correct or not? So step one, I am telling you verbally, you may write if you want. Step one, write all the terms. टर्म्स टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स इसमें है. सो इट हैज थ्री टर्म्स, टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री. जो भी चीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है वो टर्म्स होती है. मैथ्स में हम क्या लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एंड वी प्रूव इट इक्वल टू राइट हैंड साइड. बट हेयर व्हाट वी डू इन फिजिक्स, वी टेक ऑल द टर्म्स, टर्म्स इन एडिशन, टर्म्स इन सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लाई वाली टर्म्स नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक टर्म है. राइट, देन we check the dimension of each term. Checking the dimension of each term should be same, that is l plus l should give l. Abhi algebraically you may find it wrong ki l plus l to 2l hoga, that is according to maths, but as per physics what does it means, when we add length and length we get length. When we add mass plus mass, we always get mass. It cannot happen कि mass और length को आपने add कर दिया. Can it happen? No, it cannot happen. Mass can be added only to mass, length can be added only to length, and length can be subtracted only from length. So L minus L will also be L. Means अगर आप लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, भले उसका वैल्यू जीरो हो बट तुम्हें क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा. इट मींस इन एनी इक्वेशन इफ इट इज एडेड और इफ इट इज सब्ट्रैक्टेड ऑल द डायमेंशंस शुड बी सेम. मतलब अगर मैं ये एक टर्म है इट इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो ये इक्वेशन तभी बना होगा जब इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वी आइडेंटिफाई द टर्म. कितनी टर्म है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. लेफ्ट हैंड साइड वी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी. वी नो दैट वेलोसिटी का कितना होता है, स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, एल टी माइनस वन. तो डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन.
अगर ये करेक्ट है इक्वेशन तो इसका भी एलटी माइनस वन होना चाहिए, इसका भी एलटी माइनस वन और इसका भी एलटी माइनस वन ही आना चाहिए. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. नाउ आई विल कम टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है? दो टर्म. तो इस टर्म को प्लस नहीं करना है, ये टर्म अलग से लेनी है. यू इज इक्वल टू यू क्या है? वेलोसिटी. तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? एलटी माइनस वन. थर्ड टर्म क्या है? एटी. एटी का मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम. एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन? एलटी माइनस टू. एलटी माइनस टू इनटू टाइम. टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी. दोनों को सॉल्व करो. एलटी माइनस टू ये क्या हो गया? एलटी माइनस टू प्लस वन. माइनस टू प्लस वन क्या आया? एलटी माइनस वन. Now LT minus 1, LT minus 1, LT minus 1. It means the equation is correct, right? Then we will write dimension of left hand side is equals to dimension of right hand side. It means that equation is correct. That is how we solve. I'll quickly repeat. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने टर्म्स हैं. टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री. टर्म्स वी आइडेंटिफाई बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक टर्म है. अगर ये डिवाइड हो रहा होता, ए अपॉन टी हो रहा होता, तो भी एक टर्म होता. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इज सेम, बिकॉज मास कैन ओनली बी एडेड टू मास, टाइम कैन ओनली बी एडेड टू टाइम, लेंथ कैन ओनली बी एडेड टू लेंथ. तो अगर ये तीन चीजें ऐड हो रही हैं, ए बी सी तीन चीजें ऐड हो रही हैं, तो इसका 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 डायमेंशन सेम रहा होगा, इसीलिए ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. तो हमने फर्स्ट का डायमेंशन निकाला एलटी माइनस वन. डायरेक्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये भी वेलोसिटी है तो एलटी माइनस वन. ये क्या? एक्सेलरेशन इनटू टाइम. एक्सेलरेशन का वैल्यू रखा, टाइम का वैल्यू रखा, दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया? सेम आया. तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है, मीन्स इक्वेशन इज करेक्ट. I hope this is clear to you. We will proceed to one more example. जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त जो भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो क्या है? वो कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं. तो कोई भी मैथमेटिकल पाए है, पाए बाय सिक्स है, टू पाए है, हाफ है, वन बाय थ्री है, कोई भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट अगर आता है तो उसको हम क्या रखने वाले हैं? उसको हम इग्नोर करने वाले हैं. सेकेंड थिंग, कोई भी पावर अगर है, अगर रूट वेलोसिटी है, रूट ऑफ समथिंग है, रूट को वी कैन नॉट इग्नोर. थर्ड पावर को वी कैन नॉट इग्नोर. फिफ्थ पावर को वी कैन नॉट इग्नोर. सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. सो आई विल टेक वन मोर इक्वेशन. ये याद रखना, एल प्लस एल विल बी एल, एल माइनस एल विल बी एल. अनलाइक मैथ्स, डायमेंशंस वर्क ऑन डिफरेंट वेज. राइट, लेट अस टेक अ इक्वेशन. ओके, लेट अस टेक ये इक्वेशन लेते हैं. एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर एस इज डिस्टेंस, ए इज एक्सेलरेशन, यू इज वेलोसिटी, टी इज टाइम. यू ऑल नो इट वेरी वेल. दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. कितने टर्म्स हैं इक्वेशन में? कोई एक बताएगा मुझे, हाउ मेनी टर्म्स कैन यू सी इन द इक्वेशन? टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स? देर आर थ्री टर्म्स. सो ऑल द थ्री टर्म्स शुड हैव सेम डायमेंशन. लेट अस चेक. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस का डायमेंशन, डिस्टेंस इज अ लेंथ, सो द डायमेंशन वुड बी एल. राइट हैंड साइड मतलब इसका भी एल आना चाहिए और इसका भी एल आना चाहिए. राइट हैंड साइड यू टी, एल टी माइनस वन इंटू टी, एल टी माइनस वन टी प्लस वन. देखिए क्या हो जाएगा, टी माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट होके जीरो, तो क्या बचा? एल. राइट हैंड साइड की दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर. इस हाफ को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट. एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर एल टी माइनस टू, टाइम का स्क्वायर क्या हो गया? टी प्लस टू. क्या हो गया? एल टी माइनस टू प्लस टू, क्या आ गया? एल. इट मीन्स डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. इट मीन्स व्हाट इज दिस? इक्वेशन इज करेक्ट. दैट इज हाउ वी प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग. राइट,
लेट अस सॉल्व समथिंग इन विच इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द टर्म्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Yes, let us take any equation. Okay, let us take this. Kinetic energy is equals to 2/3 mv cube. Left hand side, how many terms are there? Two terms. Let us say this as E. Energy is equals to 2/3 mv cube. There are two terms. Left hand side, right hand side. Left hand side, energy. Dimension of energy is ML2T minus 2. M is mass, V is velocity. ये दिया होगा क्वेश्चन में that M is mass, V is velocity and E is energy. This would be given in the question, right? So energy का क्या ML2T minus 2. This is the left hand side. Let us take right hand side. Right hand side क्या है 2/3 m v cube. 2/3 is a mathematical constant. M is mass. वेलोसिटी का क्यूब एल टी माइनस वन का क्यूब एम एल का क्यूब टी माइनस वन का क्यूब टी माइनस थ्री. तो क्या आया एम एल थ्री टी माइनस थ्री. यहां क्या था एम एल टू टी माइनस टू. सो डायमेंशन ऑफ एम एल टू टी माइनस टू. यस एल टी माइनस वन v का क्यूब है ना lt माइनस वन का क्यूब हो जाएगा राइट. सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट इक्वेशन इज इनकरेक्ट. ये इक्वेशन ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है. जरूरी नहीं है हर बार करेक्ट आएगा. दे मे आस्क यू एनी इक्वेशन एंड दे मे आस्क यू वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. So here dimension of left hand side and dimension of right hand side are not same. It means this equation is wrong. This equation is incorrect. Right? Proceeding. Yes. We can only check whether it is wrong or right. करेक्ट इक्वेशन वी विल लर्न इन थर्ड स्टेप टू डिराइव अ फॉर्मूला. हम कैसे डिराइव करते हैं फॉर्मूला दैट वी विल लर्न इन द थर्ड स्टेप. अभी हम सेकेंड स्टेप है. वेट फॉर दैट टू कम. यस यस वी हैव टू इग्नोर द नॉट फ्रैक्शन वी हैव टू इग्नोर द मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स बिकॉज कॉन्स्टेंट मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट एक नंबर है. नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता. 2/3 1/2 ये नंबर्स है. नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता. दे आर मैथमेटिकल प्योर नंबर्स सो दे विल नॉट हैव एनी डायमेंशन. लेट अस चेक वन मोर. t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g. दिस इज द क्वेश्चन. इट इज गिवन दैट t इज टाइम, l इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. It has been given that the time period of a simple pendulum, I am reading the statement for you, that the time period of a simple pendulum depends on 2 pi under root L by G, where L is length, G is acceleration due to gravity. Now check the correctness of equation, whether the equation is right or wrong. So how many terms the equation has? It has two terms. Left hand side, kyunki ye sara multiply mein hai, to right hand side. Is 2 pi ko hum ignore karenge because it is a mathematical pure number. लेकिन ये जो रूट है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि रूट का मतलब पावर कितनी? हाफ. रूट मींस पावर इज हाफ. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मींस एक्स की पावर हाफ. क्यूब रूट ऑफ एक्स मींस एक्स की पावर 1/3. फिफ्थ रूट ऑफ एक्स मींस एक्स की पावर 1/5 एंड सो ऑन. आई होप यू हैव लर्नड इट इन मैथ्स राइट. लेफ्ट हैंड साइड टाइम टी. राइट हैंड साइड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी मींस एल बाय जी की पावर हाफ. इसको हमने इग्नोर कर दिया राइट. एल क्या है? लेंथ. एल अपॉन जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू एल टी माइनस टू. इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. एल टी माइनस टू पूरे की पावर हाफ. एल गेट कैंसल्ड आउट.
टी माइनस टू बचा, टी माइनस टू ऊपर आ गया, टी की पावर हो गई टू, एक्स की पावर एम की पावर एन हो जाता है एक्स की पावर एम एन, राइट। सो टी की पावर टू की पावर हाफ, टी की पावर टू इंटू हाफ, वॉट रिमेन्स टी। इट मीन्स यहां पे क्या आया था टी, राइट हैंड साइड भी क्या आया टी, इट मीन्स इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट। यस, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन दैट वी विल अगेन लर्न लेटर। डायमेंशन से वी कैन चेक द टर्म्स, वी कैन चेक द वेरिएबल्स वेदर दे आर सेम और नॉट, बट वी कैन नॉट जज दैट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट। चेकिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इज डिफिकल्ट बाई यूजिंग द मैथड ऑफ डायमेंशन, राइट। एंड दैट इज हाउ डायमेंशन, ये जो हम मैथड यूज करें इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट जज द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का वैल्यू हम जज नहीं कर सकते। हाँ, हम ये चेक कर सकते कि जो भी वेरिएबल्स यूज होते हैं, एल यूज हुआ है, जी यूज होता है, एम वी कुछ भी यूज हुआ है, कि ये करेक्ट है या नहीं। वी कैन नॉट जज द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनल मैथमेटिकल प्योर नंबर्स, राइट। गुड क्वेश्चन। यस, इक्वेशन इज ओनली डायमेंशनली राइट हेयर, वी कैन नॉट जज, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मैथड, राइट। वी विल प्रोसीड।